बताऊंगी। दर्शकों को एक और बड़ी खबर अपडेट कर दूं, नार्को टेस्ट किसका होना है, उन तीन आरोपियों का जो कि अतीक अशरफ के हमलावर हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, क्योंकि उन तीनों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। जो एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, वो तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो तीनों का अलग अलग लोकेशन से आते हैं। अब जो तीनों के बारे में जो उनकी आर्थिक स्थिति पता की गई, तो आर्थिक स्थिति ये कहती है कि इतने महंगे पिस्टल वो ला नहीं सकते हैं। तो आखिर वो कौन मास्टरमाइंड है, किसके कहने पे, कहाँ से उनको हथियार मुहैया कराया जाता है, कौन लोग हैं जो अतीक और अशरफ, गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही कैसे मरवा दिया जाता है, तो क्या पीछे से कोई पर्दे के पीछे कुछ और स्थिति है, कुछ और चल रहा है, ये सब क्राइम की दुनिया के लिए कैसा मामला आ चुका है, जो पुलिस के लिए अभी तक अतीक अशरफ ये सब उसके लिए चुनौती एसआईटी की टीम के लिए बने हुए थे, लेकिन ये जो तीन हमलावर है ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है। तो नार्को टेस्ट के जरिए ये पता किया जाना है कि तीनों के बयान आपस में जो मेल नहीं खा रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, क्या ये तीनों वाकई पुलिस को बरगला रहे हैं, क्या वाकई ये तीनों किसी ऐसे शख्स को छुपा रहे हैं जो कि मास्टरमाइंड है, जो साजिश करता है, और जिसके कहने पर, जो इसके कहने पर, और इस वक्त मैं आपको बड़ी जानकारी देते देते अपने दर्शकों को ये भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि तीनों कितने मायने रखते हैं। लेकिन शूटर्स की जो भूमिका रही है वो कितनी खराब भूमिका रही है, वो किस तरीके से सक्रिय रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, एक रिपोर्ट में दिखाती हूँ और रिपोर्ट के बाद हम आपको सिलसिलेवार तरीके से और इस घटना से जुड़ी खबर बताएंगे। घंटे की पूछताछ, शूटरों ने ओगले राज। मर्डर के पीछे नया अतीक बनने की थ्योरी। कत्ल की कहानी में सवाल अभी बाकी है। तीन शूटर, दो मर्डर और इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस और एसआईटी के सामने ना जाने इतने सवाल हैं, जिनका जवाब मिले बगैर ना तो कत्ल की ये थ्योरी सुलझने वाली है और ना ही अतीक की हत्या के पीछे का मकसद। पुलिस ने अतीक की हत्या के तीनों आरोपियों से करीब 12 घंटे तक मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। इस पूछताछ से पहले एसआईटी टीम ने तीनों आरोपियों से अलग अलग बात की, आरोपियों की जिंदगी, परिवार और आदतों के बारे में बातचीत की गई, ताकि पहले आरोपी कत्ल को लेकर पूछताछ के लिए दिमागी तौर पर सहज हो सके। आरोपियों ने सारे